अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नीलोफर्स किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ हाफ मून पाए। तो ही हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यह हाफ कप दूध है, फ्रेश कोथमीर, एक प्याज चॉप की हुई, 1/4 कप कॉर्न है स्वीट कॉर्न, 1/4 कप कैप्सिकम, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून मैदा, 2 हरी मिर्ची। अब हरी मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ये दूध में मैदे का घोल बना लूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। रेडी है, इसको बाजू में रखते हैं और हम ये फिलिंग बनाएंगे। ये 250 ग्राम खीमा है, मैंने यहाँ पैन चढ़ा दी हूँ गरम होने के लिए। 2 टेबलस्पून बटर डालूँगी, बटर को मेल्ट होने देंगे। अब बटर की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्याज है वो डाल देंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है हमें प्याज का, सिर्फ सॉफ्ट करना है हमें। हसबे ज़रूरत मैं इसी के साथ कैप्सिकम भी डाल दूंगी ताकि कैप्सिकम सॉफ्ट हो जाए। और कैप्सिकम सॉफ्ट हो चुके हैं, अब मैं चिकन डालूंगी इसके अंदर, अच्छे से पका लेंगे। मेरा चिकन भी अच्छे से कुक हो चुका है, इसके अंदर जो मैं हरी मिर्ची है वो ऐड कर दूंगी। कॉर्न डाल दूंगी अपना। वन टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और जो दूध हमने बनाए थे मैदा डाल के, उसको एक बार अच्छे से हिलाएंगे और फिर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। अदरक लहसुन की पेस्ट, मैंने फ्लेम को हाई कर दी हूँ। चिकन मैदे की और अदरक लहसुन की स्मेल जाने तक हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत कप दूध और ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। स्टफिंग बनके तैयार है, इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है, अब हम इसको ठंडा होने देंगे। पैन चढ़ा दी हूँ, उसके अंदर 1 कप पानी डाल रही हूँ। नमक हसबे ज़रूरत, पानी को बॉयल आने देंगे। टीस्पून बटर, आप बटर की जगह ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए पानी को बॉईल आ रहा है। ये 1 कप मैदा है वो ऐड कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको।
मैंने गैस ऑफ कर दी हूँ। इसको कवर करके हम ठंडा होने देंगे। अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। मैं हाफ कप चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ फुल्ली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ठंडा हो चुका है, इसको भी अच्छी तरह से हम गून लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट हो चुका है। एक लोई निकाल ली हूँ, इसको हम बेल लेंगे। रोटी बन चुकी है, अब मैं इसको कट करूँगी। आप कोई भी चीज़ से कट कर सकते हैं इसको। ये देखिए एक इसमें मैंने चार पूरी बना ली हूँ। ये देखिए मैं 1 टीस्पून मैंने इसमें फिलिंग डाल दी है। इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए देखिए मैंने बना ली हूँ। मैं बाकी भी इसी तरह से बना के तैयार कर लूँगी। हाफ मून बन के तैयार है। मैंने यहाँ पे एक अंडा ली हूँ, जिसको नमक डाल के मैंने फेंट ली हूँ। ये ब्रेड क्रम है, मैं एक अंडे में डीप करूँगी, फिर ब्रेड क्रम में। ये देखिए आप इसको फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ के लिए अच्छे से। अरे ब्रेड क्रम और एग में कोट करके हो चुके हैं। आप इसको इसी तरह से कोई भी कंटेनर में या जिप लॉक बैग में इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। मैं इसको फ्राई करूँगी। ऑयल गरम करने के लिए रख दी हूँ, इसके अंदर मैं अपने हाफ मून फ्राई करूँगी। दोनों तरफ से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। एक साइड से हो चुका है, मैं इसको पलट रही हूँ। हो चुके हैं, मैं इसको निकाल रही हूँ। तो
मेरी हाफ मून पाई की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।